उत्तर प्रदेश में भाजपा के सभी बड़े चेहरे होंगे मैदान में। कुछ सांसदों को भी चुनावी समर में उतार सकती है पार्टी। कोरोना के नए मामलों में 6.7% की उछाल। पिछले 24 घंटे में 2,64,000 से ज्यादा केस दर्ज। बीजेपी अपना दल और निषाद पार्टी में हुआ सीटों का समझौता। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा चुनाव। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पहली बार विधानसभा चुनाव में दम दिखाएगी पार्टी। 16 उम्मीदवारों की घोषणा। गौतम बुद्ध नगर के 3 विधानसभा सीटों पर ये कांग्रेस प्रत्याशी दिखाएंगे दम। पंखुड़ी पाठक के पति पहले से है सक्रिय। लखीमपुर खीरी का सिहासी घटनाक्रम। ऋतु सिंह को कांग्रेस ने दिया टिकट। भाजपा विधायक वाला प्रसाद अवस्थी ने दिया इस्तीफा। लखनऊ में जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट कार्यालय में हलचल। विधायकों के साथ पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य। गोरखपुर के खजनी विधानसभा क्षेत्र से रजनी देवी कांग्रेस उम्मीदवार। 10 वर्षों से खेल रही है राजनीति पारी। इस्तीफों पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष का बड़ा बयान। कहा जिनको नहीं मिल रहा टिकट उसे जगह दे रही सपा। बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच 65 सीटों पर बनी सहमति। बड़े भाई की भूमिका में कौन होगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार। नजर हर खबर पर।